आप सबको नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने समस्त भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। बहुत जगहों से निगेटिव इंटरनेट सुनने के बाद, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन अब कुछ चीज़ें आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा बेहतरीन विकल्प के तौर पे सामने आ रहा है, जिसकी अपडेट मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे हमारे उन भाई बहनों के लिए जो कि बीएड के डिग्री धारक हैं और उनको पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, विद्यार्थी ये कहते हैं भैया आप सर्विस में हो इसलिए आपको उतनी टेंशन नहीं होगी। मेरे भाई बहनों, मैं सर्विस में हूँ लेकिन मुझे इतनी चिंता ज़रूर होती है कि जो दंश आज आप लोग झेल रहे हो वो दंश मैं 2013 से लेकर के 18 तक झेल चुका हूँ, ठीक है ना। मैंने उस समय में बीएड किया हुआ था जिस समय में बीएड डिग्री धारक प्राइमरी से ही बाहर थे, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी या हम बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। 69,000 की शिक्षक भर्ती में मौका मिला और उसमें आपके इस भाई ने झंडे गाड़ दिए। 138 अंक मैंने गेन किए थे अपने मैटर से, अपने दम पे, ठीक है ना। फिलहाल तो ये चीज़ें अलग सी बातें हैं और संस्कृत डिपार्टमेंट से परास्नातक करने के बाद उसके बाद एमए में भी हमने इंग्लिश से किया, तमाम डिग्रियां हासिल की और आज एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा देना, उनका अध्यापन करना, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है और इस कर्तव्य का मैं सत्य निष्ठापूर्वक निर्वहन भी करता हूँ। मेरे 4 साल के सर्विस काल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जबकि मैं अपने क्लास में ना गया हूँ या मैंने विद्यार्थियों को उनके कोर्स के संबंध में पढ़ाया ना हो। चलिए ये सब बातें जानने देते हैं, अब बात करते हैं आपके मुद्दे की। सबसे बड़ी चीज़ ये है, बीपीएससी को लेकर के हमारे बीएड डिग्री धारक भाई बहन जो हैं वो परेशान थे कि भैया हम लोगों को बाहर कर दिया गया। अरे प्रभु, बाहर नहीं किया गया है आप लोगों को। शिक्षा विभाग अभी राय मशवरा कर रहा है कि जो एनसीटी और एमएचआरडी से उनको लेटर प्राप्त हुआ है उस आधार पे आप सभी लोगों का परिणाम जारी किया जा सकता है क्या, ठीक है। और यदि हम एसएलपी दायर करें सर्वोच्च न्यायालय में, चूँकि एसएलपी इनकी दायर हो चुकी है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, और इस एसएलपी के माध्यम से क्या कुछ निर्णय हो सकता है, क्योंकि जब एकदम सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी तभी एसएलपी की सुनवाई बिहार गवर्नमेंट लगवाएगी। और इसके संबंध में उन्होंने न्याय विभाग से भी अपनी मंत्रणा की है, ठीक है ना, कानून मंत्रालय से भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ के महाधिवक्ता महोदय इस पर लगातार जो है राय विमर्श दे रहे हैं अपना। और सबसे मेन इम्पैक्ट है कि आप सभी लोगों के रिजल्ट जारी होंगे, जो ये डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों के रिजल्ट जारी होंगे ना, वो आप लोगों की सीटों को रिजर्व रखते हुए जारी किए जाएंगे, ठीक है ना। आपकी सीटें ऐसा नहीं कि प्रभावित हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग इसके लिए तो बेफिक्र रहिए। दूसरा ये कि आपका संसद का सत्र शुरू होने चल रहा है और इस संसद के सत्र में ही हम सभी लोगों को बड़ा धमाल करना है, लेकिन आप लोगों की निष्क्रियता जहाँ भी रहती है वहाँ देखने के लिए मिल ही जाती है। सत्यम भाई, आज लगभग 45 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में पड़े हुए हैं, उनके साथ 5 से 7 विद्यार्थी होते हैं। लेकिन आज की डेट में जब हमने यहाँ पे एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया कि बीएड के विद्यार्थी सम्मिलित हों, तो उन्होंने हमसे पृथक होकर के सड़क पे ही मार्च निकाल दिया। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग अपनी बातों को जिस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं सारी चीज़ों को, आसपास पड़ोस में आपके ज़िले में, आपके तहसील में, ठीक है ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके क्षेत्र में जो भी विधायक, सांसद, मंत्री, अभिमंत्री, जो भी खटखटा लोग रहते हों, ठीक है ना, जनप्रतिनिधि के तौर पे, जो रूलिंग पार्टी के हों, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के हों,
आप उनको ले जा करके एक ज्ञापन सौंपिए। ज्ञापन कैसे लिखा जाता है? टू दी पॉइंट लिखा जाता है। कम शब्दों में अधिक बातें आपको कहने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ खिचड़ी नहीं पकानी है उसमें। जिसको आप ज्ञापन दे रहे हो उसके नाम से संबोधित होना चाहिए, टू द पॉइंट बेटर होना चाहिए, ठीक है ना। अपनी व्यथा भी आप बता सकते हैं उसमें, ठीक है। वो सारी चीज़ें करके आप उनको ज्ञापन रिसीव कराइए। ये मुहिम हम सभी लोगों की रंग ला रही है और शासन इस पर सोचने के लिए, बात करने के लिए, विचार करने के लिए मजबूर हुआ है। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करके विज्ञापन जारी किया जाए, टीईटी में विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए। इसके लिए सूर्य प्रताप शाही जी, पूर्व कृषि मंत्री, ठीक है ना, उनको आज विद्यार्थियों ने मिलकर के एक ज्ञापन दिया, ठीक है। और कुशीनगर में एक बड़ी रैली बीएड विद्यार्थियों के माध्यम से जारी की गई। उन्होंने कड़े धूप में लेट लेट करके, जैसे कांवर लेके जाते हैं ना लोग, लेट करके भी जर्नी तय करते हैं, ठीक है ना, ऐसे विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि सूर्य प्रताप शाही जी, आरपीएन सिंह जी, ठीक है ना, जो कद्दावर नेता हैं कुशीनगर के, ठीक है, पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए हैं, आकर के विद्यार्थियों से उन्होंने ज्ञापन लिया है। अब सोच लीजिए, अब आप स्वयं समझ लीजिए। तो अगर आप में मजबूती के साथ अपनी बातों को रखने का दम है तो जाहिर सी बात है आपके कार्य सिद्ध होंगे। और ये आश्वासन भी मिला है कि बीएड के विद्यार्थियों को एक बड़ी प्राथमिक शिक्षा भर्ती उत्तर प्रदेश से मिलेगी। आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी को भी आज संबोधित लगभग 245 ज्ञापन हम लोगों ने ईमेल किए हैं, 245 सीएम को भी किया है, मुख्यमंत्री महोदय को भी, ठीक है ना। तो हम लोगों के प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को सम्मिलित करते हुए ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, यह कन्फर्म है। 69,000 को लेकर के जो शिक्षा मित्र गए हैं सर्वोच्च न्यायालय, उसको काउंटर करने के लिए महाधिवक्ता जी को लगा दिया गया है वहाँ पे, ठीक है ना। और सारी चीज़ें जो सर्वोच्च न्यायालय में एक मैटर गया था 60-65% की कट ऑफ को लेकर के, उनमें सारी चीज़ें कर दी गई हैं। और जो स्पेशल अनुमति पत्र प्राप्त हुआ है एनसीटीई के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को, उस पत्र को भी वहाँ पे दिखा दिया जाएगा। कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, सारी चीज़ें हैं इंक्लूडेड करके। और जो इसमें आरटीए एक्ट के संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सही तरीके से गजट अगर जारी हुआ होता तो बीएड विद्यार्थियों को इतनी त्रासना झेलने के लिए नहीं मिलती, ठीक है ना। आप सभी लोग भी निष्क्रिय हो पूरी तरीके से। जहाँ जो विद्यार्थी अगर अपनी मजबूती के साथ अपना बात रखते हैं ना, वो मजबूर कर देते हैं जनप्रतिनिधियों को वो उनके पास आए, ये जान लीजिए। वो मजबूर कर देते हैं अपने आवाज़ के दम पे, अपनी संख्या के दम पे। और आप सभी लोगों से अगर कोई चीज़ें कही जाती हैं, वीडियोस को शेयर करिए ताकि हमारी बातें बीएड विद्यार्थियों के जहन तक पहुँचें। लेकिन आप सभी लोग वो भी नहीं कर पा रहे हो। हम लोग अकेले दम पे लड़ रहे हैं, अकेले दम पे, किसी का कोई सहयोग नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। फिर भी आप सभी लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि आप जो पीआरटी में पूरी तरीके से डूब चुके हो, आप लोगों को उबारा जा सके। आज बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा, भैया आपने केवीएस के लिए रिट डाली है क्या सुप्रीम कोर्ट में? जी हाँ, रिट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि मैं उसका जो है मतलब याची नहीं हूँ, मैंने नहीं डाला है, मेरी टीम के सदस्य ने डाला है, जिनका पीआरटी केवीएस में 138 अंक है। अब आप स्वयं समझ लीजिए, क्या उनकी नौकरी पक्की नहीं है? स्वयं समझ लीजिए, ठीक है ना। और इन चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भी सजगता हो पल रही है वो सारी चीज़ें, साम दाम दंड भेद तितिक्षा जो भी ले आ पा रहे हैं, सब कुछ ले आ रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि पीआरटी में आप जो डूब चुके हो ना, उसको हम थोड़ा सा खींच के बाहर कर सकें, आपको पुनर्जीवित कर सकें। अब मैं आप लोगों को इस बात के लिए गारंटीड कह दे रहा हूँ, गारंटीड। संसद का विशेष सत्र, आरटी एक्ट का संशोधन विधेयक कन्फर्म है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से अगली कैबिनेट मीटिंग सेंट्रल की आरटी एक्ट के संशोधित मसौदे को पास करना है। और एनसीटीई का संशोधित गाइडलाइन आप सभी लोगों को बीच के रास्ते में, ऐसा नहीं कि मतलब उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रायोरिटी क्या होती है? उनको 6-8 में मौका मिल रहा है ना, उनको प्रमोशन में मौका मिल रहा है ना,
अगर आप 6 to 8 में आवेदन कर रहे हो, ठीक है ना, विदाउट ब्रिज कोर्स, शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमाधारी आप हो, शिक्षा शास्त्र में स्नातक ये हैं, और स्नातक एक ऐसी डिग्री होती है जो IAS से लेकर के एक चपरासी तक, क्लर्क से लेकर के एक सफाई कर्मी तक, सब के लिए इम्पोर्टेंट होती है स्नातक की डिग्री। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने जो तर्क वितर्क दिए हैं, जाहिर सी बात है अधिकारी भी इससे सहमत हैं, जो आलतू फालतू के बयान आ रहे थे उत्तर प्रदेश से उस पर भी विराम लग गया। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो गठन की प्रक्रिया है 25 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT के नए विज्ञापन के सिलसिले में भी जो है अधिसूचना जारी हो जाएगी। 27,500 से अधिक पदों का विज्ञापन आपका आने वाला है TGT PGT का। और रही बात आपके TGT PGT 2022 के को लेकर के, तो ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों को बहुत जल्द होने वाला है, तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के संबंध में भी आज कुछ न कुछ जानकारियां अवश्य प्राप्त होंगी, क्योंकि शिक्षा निदेशालय से बहुत सारी अपडेट निकल करके आ रही हैं। आज शिक्षा निदेशालय जाएंगे भी और उन तमाम मुद्दों को लेकर के शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात किया जाएगा, उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा, और जो अर्हताओं के संबंध में, विषय कम्बिनेशन के संबंध में जो परेशानियाँ हैं उनको दूर कराने का प्रयत्न करेंगे। अगर यहाँ से नहीं हो सकता है तो लखनऊ से हो सकता है, लखनऊ जाएंगे। लेकिन इन सारी समस्याओं का निराकरण कराने के उपरांत आप सभी भाई बहनों के लिए LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी कराएंगे। एक सूचना प्राप्त हुई है सुपर TET के विज्ञापन को लेकर के, क्योंकि DLED और BTC वाले विद्यार्थियों के बस की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश शासन से वो लड़ करके विज्ञापन ले आ पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं जारी होगा, ठीक है ना। अगर विज्ञापन जारी कराना है तो उसको BEd डिग्री धारकों को साथ लेना ही पड़ेगा। अगर 97,000 80,000 जो भी पदों का विज्ञापन चाहते हो, विदाउट BEd डिग्री धारकों के नहीं आएगा विज्ञापन, ठीक है ना। और जो आपकी बेसिक शिक्षा नियमावली बनी है ना, उठा करके देख लीजिएगा, जब पूरी नियमावली जारी होगी उसमें BEd डिग्री धारक भी सम्मिलित हैं, क्योंकि स्पेशल अनुमति है NCTE से उत्तर प्रदेश शासन को, ठीक है ना। और 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्हीं चीज़ों का ढाल बनने चला है, क्योंकि अब इनके जो ब्रिज कोर्स के माध्यम से ट्रेनिंग आदि की प्रक्रिया थी, BRC को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, अब ट्रेनिंग होगी इनकी और इनकी जॉब को कंफर्म कर दिया जाएगा, किसी भी विद्यार्थी को बाहर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तक अध्यादेश क्यों नहीं आया आप जानते हैं, अध्यादेश क्यों नहीं गवर्नमेंट ला रही है, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इम्पैक्ट देखना चाहती है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इन सारे इम्पैक्ट को देखने के बाद ही पूरे तरीके से डिसीजन लिए जा सकेंगे। क्योंकि जो अधिसूचना आप सभी लोगों को जारी हुई थी वो अधिसूचना इनवैलिड हुई, क्योंकि आनन फानन में उसको जारी किया गया था, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां ना हो इसके लिए भी प्रयास हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करिए, लग जाइए, जुड़ जाइए, रम जाइए, क्योंकि TGT PGT की परीक्षाएं अब यथाशीघ्र होने वाली हैं, और LT GIC के लिए तो स्पेशल तरीके से। बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे भैया इसमें 21 से 40 वर्ष की आयु वर्ग होगा क्या, 50% को लागू किया जाएगा क्या, तो ऐसी फिलहाल स्थितियां अभी नहीं है। और ये जो नई वैकेंसी आपकी आएगी TGT PGT की, इसमें भी ये चीज़ें नहीं रहेंगी, क्योंकि इसमें तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन होगा, ठीक है ना। तदर्थ शिक्षक वैसे हो 48 साल 45 साल 46 साल 52 साल के हैं, इतना इन लोगों ने बवाल किया कि हमारा वेतन जारी कर दीजिए, हम क्या आओ ले लो वेतन, जरिए नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया भैया नहीं, हम सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं ना उसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों पर पड़ना तय है, और PRT में आप सभी लोग पुनर्जीवित होंगे, इस बात की मैं आप सभी लोगों को प्योर आश्वासन देना चाहता हूँ, क्योंकि मेहनत हम सभी लोगों की कभी जाया नहीं जाएगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।